नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर यूपी के जनपद बलिया बैरिया से है। समाजवादी विचारक छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती 5 अगस्त को सुबनथई में लगेगा प्रबुद्ध वर्ग का जमावड़ा। उक्त की जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित प्रबुद्ध वर्ग के वरिष्ठ सदस्य सनातन पांडे ने शनिवार को सुबनथई में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उनके जन्मदिन पर केवल सुबनथई में ही कार्यक्रम आयोजित होगा। जिले भर के पार्टी कार्यकर्ता व प्रबुद्ध वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे। सनातन पांडे ने कहा कि छोटे लोहिया का सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने राजनीतिक विचारक थे। चुनाव के मुहाने पर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के औचित्य सवाल पर भाजपा पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में प्रबुद्ध वर्ग का जितना अपमान किया है इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। अब समय आ गया है कि प्रदेश की अहंकारी सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा नामित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे, रायबरेली के विधायक मनोज कुमार पांडे, प्रवक्ता अभिषेक मिश्र, संतोष पांडे लम्ही व सनातन पांडे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विश्राम यादव, यशपाल सिंह, जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव, पंडित तारकेश्वर मिश्रा, संजय मिश्रा, शशिकांत चतुर्वेदी, अजय सिंह, सुरबान सिंह और राज प्रताप यादव आदि लोग उपस्थित रहे। सुनील यादव की रिपोर्ट। 74 प्रदेश में तहसील स्तर पर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाने का भी कार्यक्रम 74 जिले में सभी जनपदों में सभी जनपदों में 10 किलोमीटर साइकिल चलाने का भी पार्टी ने कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रखा है। पच्चीस तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ एक बैठक हुई थी। बैठक के उपरांत मैंने उनसे अनुरोध किया पंडित जी का जन्मदिन उनके गांव पर कि सम्मेलन भी होना है, तो हमने कहा कि सम्मेलन जिला मुख्यालय पर। और उन्होंने ये जो कार्यक्रम हो रहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे जो जितनी बातें हमारे नेता आदरणीय सनातन पांडे जी ने बताया ये बात बिल्कुल सत्य है जी। उनके निर्देश पर ये कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मंशा है कि जो समाजवादी प्रभु सम्मेलन होने जा रहा है ये छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा केवल पूर्वांचल के प्रदेश के नेता नहीं रहे हैं, पूरे देश के नेता रहे हैं। और इस माटी से जब ये संदेश जाएगा कि प्रभु सम्मेलन बागी बलिया जनेश्वर मिश्रा जी की धरती से होगा, जन्मस्थली से होगा, तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा समाज में, संदेश जाएगा बुद्धिजीवी में समय जाएगा और साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति में भी संदेश जाएगा कि प्रबुद्ध सम्मेलन जो समाज को दिशा देने वाला सम्मेलन है उसका यह उद्देश्य होगा कि उसी के साथ गांव गरीब किसान की बात कोई करता आता है पूरे हिंदुस्तान की धरती पर, उस व्यक्ति का नाम स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी। इसी वजह से यह स्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये चयन किया है और उसी के दिशा निर्देश पर हम सभी लोग काम करें।